नाउ वी विल लर्न अबाउट वेजिटेबल्स. अब हम पढ़ेंगे वेजिटेबल्स के बारे में. वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ. अपनी बॉडी को हेल्दी, फिट और फाइन रखने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए. चलिए अब मैं आपको कुछ डिफरेंट वेजिटेबल्स के बारे में बताती हूँ. नंबर वन, टोमेटो. टोमेटो मतलब लाल लाल टमाटर. देन कैरेट. कैरेट क्या होती है? गाजर. और ये कैसे कलर की होती है? ये रेड कलर की होती है, लेकिन आजकल मार्केट में कैरेट ऑरेंज कलर की भी आती है. रैबिट को सबसे पसंद क्या होता है? कैरेट खाना. नाउ पोटैटो. पोटैटो मतलब आलू. देन कैप्सिकम, कुकुम्बर. कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च और कुकुम्बर का मतलब क्या होता है? खीरा. देन ब्रिंजल. ब्रिंजल मतलब बैंगन. ब्रिंजल इज अ किंग ऑफ फ्रूट. इसको फ्रूट का किंग कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? क्राउन होता है. देन लेडी फिंगर. आप कहेंगे मैं फिंगर मतलब तो उंगलियां होती हैं. लेडी फिंगर का मतलब होता है भिंडी. देन कैबेज. कैबेज किसे कहते हैं? पत्ता गोभी को कहते हैं. ओनियन, प्याज, टर्निप, शलगम, चिली, मिर्ची. चिली किसे कहते हैं? मिर्ची को कहते हैं. देन पम्पकिन. पम्पकिन मतलब पेठा. यू नो पम्पकिन इज आवर नेशनल वेजिटेबल. स्पिनच. स्पिनच मतलब पालक. आपको पता है पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, जो हमारी आइज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. तो आप सब बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए. देन मशरूम. पीस. पीस का मतलब मटर, हरे हरे मटर. देन बिटर गॉर्ड. करेला. मुझे तो बहुत पसंद है करेला. आप सबको पसंद है? बताइए. नहीं, कुछ बच्चों को पसंद है और कुछ बच्चों को पसंद नहीं होता. लेकिन बच्चों करेला खाना भी बहुत हेल्दी होता है. देन कॉलीफ्लावर. फूल गोभी. देखो अभी मैंने आपको कैबेज के बारे में बताया था. कैबेज को हम बंद गोभी कहते हैं, क्योंकि वो पूरी ढकी हुई होती है. और कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, बिल्कुल फूल की तरह. देन गार्लिक. गार्लिक कहते हैं हम लहसुन को. बच्चों सारी वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत हेल्दी होती हैं, इसीलिए हमें डेली वेजिटेबल्स खानी चाहिए.